रक्तदान का महत्व समझते हुए और समाज की सेवा हेतु उद्दिष्ट को ध्यान में रखते हुए कच्छ युवक संघ पनवेल, पूज्य सिंधी पंचायत ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब ऑफ पनवेल होराइजन के संयुक्त प्रयासों से आने वाले रविवार 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एंकर वाला रक्तदान अभियान अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन पनवेल स्थित पूज्य सिंधी पंचायत हॉल में किया गया है। इस बारे में कच्छ युवक संघ पनवेल ब्लड डोनेशन कैंप के कन्वेनर बिपिन शाह ने पालिका प्रशासन से बातचीत की। इस वक्त हम खड़े हैं पनवेल के सिंधी पंचायत हॉल के बाहर, जहां पर आने वाले रविवार यानी 3 अप्रैल को कच्छ युवक संघ पनवेल शाखा द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाने वाला है। हमारे साथ इस वक्त है ब्लड डोनेशन कैंप के कन्वेनर, पनवेल शाखा ब्लड डोनेशन कैंप के कन्वेनर बिपिन शाह जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस कैंप में क्या क्या होने वाला है और उसकी क्या तैयारी की गई है। आपने यहाँ पे 3 अप्रैल को जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है कच्छ युवक संघ द्वारा, उसके बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, कच्छ युवक संघ पनवेल द्वारा एंकर वाला रक्तदान अभियान के तहत जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, वो इस वक्त रविवार को 3 अप्रैल को होने जा रहा है पूज्य सिंधी पंचायत ट्रस्ट के हॉल में पनवेल स्थित। यहाँ पे 41वां मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, 41 मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन होने जा रहा है यहाँ पे। अब तक आपके संस्था ने, ब्लड डोनेशन कैंप की आपकी संस्था ने कितने ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किए हैं? कच्छ युवक संघ पनवेल शाखा की अगर बात की जाए तो साल भर में होने वाले 3 मेगा ब्लड डोनेशन कैंप एवं 3 से 5 पॉकेट ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किए जाते हैं। और इसके तहत पिछले 13 वर्ष में शाखा के द्वारा करीब 60 कैंप से अधिक ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा चुका है। उसके अंतर्गत हमारे सभी ब्लड डोनर के द्वारा 8,250 से अधिक रक्त बोतल ब्लड यूनिट का कलेक्शन किया जा चुका है। इसके बीच अगर रक्तदाता के परिवार में या तो किसी और मरीज को रक्तदान रक्त का ज़रूरत पड़ा तो शाखा द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उनको रक्त ब्लड यूनिट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कैंप से रिलेटेड? हम सभी को जानकारी के हिसाब से रक्त एक मानव शरीर की जरूरियात है, जो किसी मशीन या कोई फैक्ट्री में से बनाया नहीं जा सकता है। और एक रक्तदाता अगर रक्तदान करेगा तो 3 व्यक्तियों को जीवनदान मिल सकता है। तो हमारा लोगों से यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सामाजिक कार्य में आगे आए और रक्तदान करके जीवनदान का श्रेय लें और लोगों की मदद करने के लिए और समाज को मदद करने में उनका एक अनुदान दें। तो जैसे कि बिपिन शाह जी ने बताया कि रक्तदान एक बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ये किसी मशीन में नहीं बनता है, ये सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी में ही बन सकता है। तो हमारे भी लोगों से यही अपील है कि 3 अप्रैल को आप यहाँ सिंधी पंचायत हॉल में आइए और रक्तदान करिए और किसी की जान बचाइए। धन्यवाद।